हाँ तो गाइस कैसे हैं आप लोग। जय माता दी। व्यास जी ब्लॉग्स आपका स्वागत करता है एक नए और धमाकेदार ब्लॉग्स में, जहाँ पर हम पहुँच जाते हैं वैष्णो देवी। आपको सारा टूर देने के लिए सबसे पहले आपको पहुंचना पड़ेगा इस जगह पे और करवानी पड़ेगी अपनी चेकिंग टिकट वगैरह। और हाँ, अब की बार हम जा रहे हैं नए रास्ते से, तो बिल्कुल अलग नज़ारे होंगे, ना कोई घोड़े वोड़े ना कुछ, क्योंकि वो रास्ता अभी अभी नया खुला है। और हाँ, ये है बाणगंगा, जहाँ पे बिल्कुल ऐसा मस्त पानी बहता है, आज कुछ ज़्यादा ही तेज बह रहा है। तो हम सबसे पहले शुरू कर देते हैं उस रास्ते से, जो कितना मस्त रास्ता है, एकदम चारों तरफ हरियाली हरियाली, भीड़ का नामो निशान नहीं है। और आपको जगह जगह ऐसे पानी पीने के भी मिल जाएंगे। ओ, इसमें तो पानी नहीं आ रहा, सॉरी, इसमें भी नहीं आ रहा, मतलब ये खराब है, खराब होगा या पानी होगा पता नहीं। फिर आपको रास्ते में मिलेगी दो बार ऐसी मस्त मस्त जगह, जहाँ पता नहीं मेरे को भी कि बनाया किसने और किस लिए ये सीढ़ियाँ नीचे से आती है, लेकिन हम तो रोड रोड ही आए थे, हमें क्या पता था ये सीढ़ियाँ इतनी मस्त जगह निकल रही है, वरना हम तो इससे आते। इधर आपको साइड में मिल जाता है एक मस्त व्यू पॉइंट, इधर जाके आप फोटो वोटो खिंचा सकते हैं, और नहीं खिंचाना है तो नहीं खिंचा सकते हैं, ये तो आपकी चॉइस है, इट्स योर चॉइस। यहाँ आके आप लोग देखेंगे तो आपको दिखेगा एक गजब का नज़ारा, जो आपको कटरा की बिल्कुल एकदम ऊंचाइयों पर ले जाएगा। मेरा मतलब ऊंचाई पर तो हम है ही, लेकिन फिर भी कटरा आप पूरा देख सकते हैं, इधर से देखो चाहे इधर से देखो। और आजकल यहाँ जगह जगह ये मैकडोनाल्ड्स के और बीकानेर वाला के ऐसी चीजें लग गई है, नई नई फ्रेंचाइजी खुल गई है, और यहाँ आके आप आइसक्रीम बर्गर जो आपकी मर्जी हो वो खा सकते हैं। हम भी आइसक्रीम खा के निकल जाते हैं वैष्णो देवी के लिए ऊपर दर्शन के लिए। रास्ते में हमें वैसी जगह मिलती है, और लेकिन यहाँ पे थोड़ा अलग था, यहाँ पे फाउंटेन वगैरह था जिसमें से बहुत सारा पानी आ रहा था। अब फाउंटेन में पानी नहीं आएगा तो क्या आएगा, मैं भी क्या ही बात कर रहा हूँ। यहाँ आपको एक चीज अलग देखने को मिलेगी, यहाँ पे आपको लंगर भी मिलेगा, जो कि जहां तक पुराने वाले रास्ते में नहीं मिलता है, और मिलता है तो एक ही जगह मिलता है, उसका भी कोई कंफर्म नहीं है। हम जाते हैं इसके अंदर के साइड तो देखते हैं, वाओ व्हाट ए ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक ए वाओ। वो अलग बात है, हम पानी के अंदर नहीं जा सकते। ये देखिए क्या ही फाउंटेन है, क्या ही नजारा है, आ हा हा। ये यहाँ बड़ी LCD भी लग रही है जो सीधा आपको अंदर भवन में से दर्शन कराएगी, पंडित जी क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। फिर हम अंदर आ जाते हैं लंगर खाने के लिए, तो यहाँ पे बिल्कुल छीट रहती है, मेरा मतलब कोई नहीं रहता है। यहाँ आपको मिलेगा दाल चावल, इनका हर दिन का मेन्यू थोड़ा अलग अलग होता है। आगे चल के हम देखते हैं कि हमें मिलता है एक मेडिकल यूनिट, और यहाँ पे आपको आपकी हर तरीके की दवाई मिल सकती है। आपके घुटनों में दर्द है, आपके कहाँ भी कोई भी तकलीफ है, यहाँ आप बता सकते हैं। और जगह जगह पे ऐसे चाय कॉफ़ी पानी वगैरह सारी चीज़ों की व्यवस्था ज़रूर है यहाँ पे। इस जगह पे इतनी छीड़ इसलिए है क्योंकि नया रास्ता है, और पुराने रास्ते से आजकल बहुत कम लोग जाना पसंद करते हैं, जहाँ तक मैं मान रहा हूँ। ये रास्ता आपको सीधा अर्धकुमारी के जहाँ पे टेम्पो खड़े रहते हैं ये इलेक्ट्रिक वाले, वहाँ जाके पहुँचाएगा, और जहाँ वहाँ से आप जिस रास्ते से जाना चाहते हैं वहाँ से जा सकते हैं। तो हम सांझी छत वाला रास्ता चूज़ करते हैं, ये है सांझी छत, हाँ कुछ ऐसा ही है मेरे हिसाब से, तो सांझी छत ही है भाई लोग। और फिर हम पहुँच जाते हैं अर्धकुमारी, जहाँ हम हमारा लगाते हैं फुल चार्ज। और अगर आपको अर्धकुमारी के करने हैं दर्शन, तो आपको एक पर्ची कटानी पड़ती है, और नंबरों के हिसाब आप दर्शन कर सकते हैं। फिर हम निकल जाते हैं सीढ़ियों से, जो कि दम और अस्थमा के मरीजों के लिए बहुत ही घातक हो सकती है, इसलिए वो कृपया सीढ़ियाँ ना अपनाएं। आप कब भी जाएंगे तो आपको ये फॉग तो हमेशा ही दिखेगा, ये धुंध, ये यही तो इस जगह की खास बात है। आपको बादल नीचे दिखते हैं और आप बादलों के ऊपर दिखते हो, वो अलग बात है कि बादल अगर आपके अंदर घुस जाएंगे तो, मैंने सुना है कि पानी आ जाता है, लेकिन वो अलग बात है कि पानी आता नहीं है। ये देखिए यहाँ से पुराना हेलीपैड दिख रहा है, किसी ज़माने में ये हेलीपैड हुआ करता था, लेकिन फिर इसे किसी कारण बंद कर दिया। और ये आप सामने देख सकते हैं, ये है भवन जिसकी हम इंतज़ार कर रहे थे, और आजकल भवन से रोपवे जाने लग गया, आजकल नहीं मतलब 2 या 3 साल पहले ये व्यवस्था शुरू हो गई थी, ये आपको भवन से और भैरव जी तक पहुंचा देगी, और भैरव जी से वापस भवन ले आएगी। हम दर्शन करके वापस आ जाते हैं रोपवे की लाइन में, क्योंकि आजकल पैदल जाना कोई भी पसंद नहीं करता है, तो हम भी रोपवे का आनंद उठाने के लिए रोपवे की लाइन में लग जाते हैं, और हमारे घुसते ही लाइन बंद हो जाती है। ये टिकट काउंटर है, यहाँ से आपको रोपवे की टिकट लेना ज़रूरी होता है, जिसकी प्राइस है 100 रुपये दोनों साइड की। फिर हमारे पास आ जाता है रोपवे, तो हम भी रोपवे का आनंद उठाने के लिए लेने चलते हैं मजे। और ये देखिए बाहर के लोग अंदर का वीडियो बना रहे हैं और अंदर के लोग बाहर का वीडियो बना रहे हैं, ये कुछ रोपवे ऐसा है। इस रोपवे में करीबन 30 लोग आ सकते हैं एक टाइम पे, और ये आपका ज़्यादा टाइम भी बचा सकता है, आपको आपकी थकान भी रोक सकता है, क्योंकि भवन से और भैरव जी का रास्ता है ना, वो सबसे कठिन माना जाता है, और आजकल उससे कोई जाना पसंद नहीं करता, इसलिए रोपवे की सुविधा दे दी गई है। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी, मिलते हैं आपसे अगले धमाकेदार ब्लॉग में, तब तक के लिए जय माता दी।